दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन से एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किए थे और अप्लाई होने के बाद में आप कैसे चेक करेंगे कि आपका एटीएम कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं। अगर आपका एटीएम कार्ड जनरेट हो गया है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कितने दिन बाद ट्रैकिंग मैसेज आएगा और आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा है और कब तक आपके एड्रेस पर आएगा। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको अपना लॉगिन पिन और या तो आप बायोमेट्रिक्स में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद दोस्तों, आपका एटीएम कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं उसको पता करने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका एटीएम कार्ड जनरेट हो जाएगा तो आपके एटीएम कार्ड का कुछ नंबर शो होगा और यही एटीएम कार्ड आपके एड्रेस पर आएगा और आपका अकाउंट नंबर यहां पे शो होगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई होने के बाद में जो भी एटीएम कार्ड होता है जो अधिकारी आपके अकाउंट से लिंक करते हैं, यानी कि इस एटीएम कार्ड का नंबर और वीसीसी नंबर और एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ, ये सब तीनों जो है आपके अकाउंट से लिंक किया जाता है। लिंक होने के बाद में यही एटीएम कार्ड जो है फिर इंडिया पोस्ट के पास जाएगा, ठीक है। यही एटीएम कार्ड इंडिया पोस्ट के पास जाएगा और इसमें कुछ समय लग सकता है दोस्तों, जैसे कि 15 दिन लग सकता है, एक हफ्ता लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस एटीएम कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद यह एटीएम कार्ड जो है इंडिया पोस्ट के पास जाएगा, तो इंडिया पोस्ट के लोग जो है आपके एड्रेस पर डिस्पैच करते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट के लोग जो डिस्पैच करेंगे तो उसी समय आपके आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ट्रैकिंग मैसेज आता है, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि जैसे कि अगर आपका एटीएम आ जाने वाला है एटीएम कार्ड, तो उसी समय भी कभी कभी हो, हमारे केस में भी यही हुआ था कि जैसे मेरे एड्रेस पर आज एटीएम कार्ड आया है तो उसी दिन मेरे नंबर पर ट्रैकिंग मैसेज आया है। तो इसका ट्रैकिंग मैसेज का कोई कन्फर्म नहीं होता कि आपके मोबाइल नंबर पर कब आएगा। हाँ, लेकिन ये है, जैसे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ट्रैकिंग मैसेज आ जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा और कब तक आपके एड्रेस पर आएगा। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसा मैसेज आता है ट्रैकिंग का। तो मेरे पास ट्रैकिंग मैसेज है तो मैं यहाँ पर कट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल नाम का ये मैसेज आएगा, ट्रैकिंग मैसेज, जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर दिया गया, लास्ट बिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका ट्रैकिंग मैसेज है। जैसे आपके एटीएम कार्ड को इंडिया पोस्ट के थ्रू डिस्पैच किया जाता है उसके बाद ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रैकिंग मैसेज आएगा और यहाँ पर आर्टिकल है और नीचे यहाँ पर आपका ट्रैकिंग मैसेज है, लास्ट बिन है, इसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे indiapost.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंसाइनमेंट नंबर, यानी कि आपको ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे है 5-1, यानी कि यहाँ पे आपको 4 टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर, बुक एड, किस स्थान से, किस लोकेशन से आपका इस एटीएम कार्ड को डिलीवर किया जाता है, भेजा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है बुक ऑन कितने तारीख को बुक हुआ है, यानी कि ये जो बुक डेट है यह इंडिया पोस्ट के थ्रू जो बुक हुआ है आपका एटीएम कार्ड, वह डेट आपको दिखाई देगा। आपका पिन कोड, ट्रैफिक आर्टिकल, यहाँ पे इनलैंड स्पीच कोड आपको दिखाई देगा, लोकेशन, डिलीवरी लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पे डिलीवरी को कंफर्म कर दिया गया 5/5/2022 को। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेट बाई और यहाँ पे टाइम बाई हर जिस पोस्ट ऑफिस पे आया है पूरा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे मेरे एड्रेस पे मेरा एटीएम कार्ड आ गया है तो मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाया हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप पता कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा और आपके एड्रेस पर कितने दिन बाद आएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए।